नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। यदि आपके पेनिस के मसल्स एंड टिश्यूज काफ़ी डैमेज हो चुके हैं या फिर काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, साथ में इरेक्शन के साथ साथ आपका पेनिस काफ़ी छोटा व पतला होता जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे 100% नेचुरल तरीके से इसका समाधान बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपनी इस प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं, वह भी एक आयुर्वेदिक तरीके से। दोस्तों, यदि आपका पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, आपका पेनिस छोटा व पतला होता जा रहा है, चाहे वजह कोई सी भी हो, चाहे वजह बचपन में की गई गलतियाँ हो, या फिर पार्टनर के साथ रेगुलर संबंध बनाना हो, या फिर बढ़ती उम्र हो, दोस्तों इन सभी वजह से यदि आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, साथ में यदि आपका पेनिस छोटा व पतला होता जा रहा है, तो दोस्तों आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी औषधियाँ बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पेनिस में इरेक्शन ला सकते हैं लंबे समय तक, एंड साथ में पेनिस के मसल्स एंड टिश्यू जो डैमेज है, जो कमज़ोर है, उनकी रिकवरी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप सिगर पतन की प्रॉब्लम से परेशान है, आपकी बॉडी में वीर्य की कमी है, एंड यदि आपको पहले जैसी यौन इच्छा नहीं हो पा रही है, यानी कि आप अन्य सेक्सुअल प्रॉब्लम से परेशान है, तो अपनी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन आप हमारे से व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी एंड ब्लैक कॉच के बारे में। दोस्तों, यदि आप इन औषधियों का दूध के साथ में 21 दिन तक कोर्स करते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप एक नेचुरल तरीके से अपने पेनिस के मसल्स एंड टिश्यूज की रिकवरी कर सकते हैं। एंड यदि आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, एंड साथ में यदि आपका पेनिस छोटा व पतला होता जा रहा है, तो दोस्तों घर बैठे नेचुरल तरीके से 100% नेचुरल तरीके से एक सबसे अच्छा मैंने आपको एक समाधान बताया है। उन सभी टॉप आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैंने आपको बताया है, जिन सभी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बनाने में किया जाता है। अपनी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।